नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। पिछली कक्षा में हम एक कहानी पढ़ चुके हैं। आपको कहानी पसंद है ना? इस कहानी का नाम क्या है? लालच का परिणाम। इस कहानी में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम क्या था? हरिदत्त, है ना? ब्राह्मण के मन में दूसरों की प्रति किसकी भावना थी? बोलिए, किसकी भावना थी? हाँ, दया की भावना थी। उन्होंने एक दिन अपने खेत में जाते समय वहां क्या देखा? वहां एक सांप को देखा, है ना? उस समय सांप पंख उठाए किए था। जब हरिदत्त ने क्या किया? प्रार्थना भरे शब्दों से कहा, हे सर्पदेव, मुझे माफ कीजिए, मालूम नहीं था आप मेरे गेत में रहते हैं। यह सुनकर उन्होंने एक बर्तन रख कर उस बर्तन बिल के पास जाकर उस बर्तन में क्या किया? दूध रख दिया। शाम को उन्होंने ये बर्तन में जाकर जाते समय क्या देखा? इस बर्तन में एक सोने की मुद्रा देखा, है ना? उन्होंने इसी तरह सभी दिन दूध रख कर चल गया। शाम को उनको सोने की मुद्रा मिली, है ना? एक दिन हरिदत्त ने काम के लिए बाहर जाना, है ना? उस समय उस दौत्य अपने पुत्र को सौंप दिया। उस समय पुत्र ने इसी तरह बर्तन में दूध रख कर चला गया। शाम को उस बर्तन में उस पुत्र ने क्या देखा? बोलिए, क्या देखा? हाँ, एक सोने की मुद्रा देखा। ये सोने की मुद्रा देखकर उसके पुत्र के मन में लालच भरा हुआ, है ना? ये पुत्र ने सोचा, इस सर्प के बाबी में सोने की मुद्रा भरी हुई है। ये इस प्रकार सोचना, ये सर्प को मारना, इसके बाद ये सभी सोने की मुद्राएं ले ली चाहिए। ये सोचकर उन्होंने इस सर्प को मारने की योजना बनाई, है ना? ये सर्प को, ये पुत्र ने सर्प को मारा, लेकिन सर्प बच गया। लेकिन सर्प ने क्या किया? मौका देकर उस पुत्र को टस लिया, है ना? ये तो समाचार सुनकर हरिदत्त ने तुरंत वापस आया और उस हरिदत्त ने बहुत दुखी हुआ। का क्या कारण है? हरिदत्त ने कहा कि शरणागत को कभी नहीं मारना चाहिए। शरणागत को मारना बहुत बड़ा पाप है, है ना? ये अपने पुत्र को लालच का दंड मिला। बच्चों, इस कहानी को आपको क्या शिक्षा मिली? बोलिए, क्या शिक्षा मिली? हाँ, लालच का फल बुरा होता है, है ना? तो चलिए इस पाठ के अभ्यास के लिए आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले, पन्ना संख्या 27। पाठ्यपुस्तक खोले, पन्ना संख्या 27। पहला अभ्यास, मौखिक अभ्यास। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। पहला प्रश्न देखिए, ध्यान से सुनिए बच्चों। सर्प किस स्थिति में था तथा वह दिखने में कैसा था? एक बार, सर्प किस स्थिति में था तथा वह दिखने में कैसा था? दिखने मीन्स देखना, ओके? दिखने में कैसा था? आंसर, जब ब्राह्मण ने सर्प को देखा तो वह फण उड़ाए हुए था। जब ब्राह्मण ने सर्प को देखा तो वह फण उड़ाए हुए था। वह दिखने में सर्पदेव जैसा था। वह दिखने में सर्पदेव जैसा था। एक बार, जब ब्राह्मण ने सर्प को देखा तो वह फण उड़ाए हुए था।
वह दिखने में सर्पदेव जैसा था, वह दिखने में सर्पदेव जैसे था। ओके, दूसरा प्रश्न क्या है? ब्राह्मण ने अपने पुत्र से सर्पदेव के लिए दूत रखने के लिए क्यों कहा? एक बार ब्राह्मण ने अपने पुत्र से सर्पदेव के लिए दूत रखने के लिए क्यों कहा, है ना? आंसर, ब्राह्मण को किसी काम से बाहर जाना था। ब्राह्मण को किसी काम से बाहर जाना था। ब्राह्मण को किसी काम से बाहर जाना था, इसीलिए उसने अपने पुत्र से सर्पदेव के लिए दूत रखने को कहा, है ना? ब्राह्मण को किसी काम से बाहर जाना था, इसीलिए उसने अपने पुत्र से सर्पदेव के लिए दूत रखने को कहा। ओके, थर्ड वन, सर्प ने ब्राह्मण पुत्र के साथ क्या किया? एक बार सर्प ने ब्राह्मण पुत्र के साथ क्या किया? आंसर, सर्प ने ब्राह्मण पुत्र को टस लिया। क्या किया? सर्प ने ब्राह्मण पुत्र को टस लिया, है ना? एक बार सर्प किस स्थिति में था तथा वह दिखने में कैसा था? आंसर, जब ब्राह्मण ने सर्प को देखा तो वह फट उड़ाए हुए था, वह दिखने में सर्पदेव जैसा था। ओके, दूसरा, ब्राह्मण ने अपने पुत्र से सर्पदेव के लिए दूत रखने के लिए क्यों कहा? आंसर, ब्राह्मण को किसी काम से बाहर जाना। ब्राह्मण को किसी काम से बाहर जाना था, इसीलिए उसने अपने पुत्र से सर्पदेव के लिए दूत रखने को कहा। लास्ट वन, सर्प ने ब्राह्मण पुत्र के साथ क्या किया? आंसर, सर्प ने ब्राह्मण पुत्र को टस लिया। क्या किया? सर्प ने ब्राह्मण पुत्र को टस लिया, है ना? दूसरा अभ्यास लिखित अभ्यास है। देखिए, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। पहला, ब्राह्मण का नाम क्या था? ब्राह्मण का नाम क्या था? बोलिए, ब्राह्मण का नाम क्या था? हरिदत्त। क्या था? हरिदत्त। दूसरा, ब्राह्मण ने सर्प को देखकर उससे डैश की। ब्राह्मण ने सर्प को देखकर उससे डैश की। बोलिए, प्रार्थना की। वेरी गुड, प्रार्थना की। तीसरा, ब्राह्मण ने सर्प के बिल के बाहर बर्तन में डैश रखा। ब्राह्मण ने सर्प के बिल के बाहर बर्तन में डैश रखा। क्या रखा? बोलिए, हाँ, दूध रखा। वेरी गुड, दूध रखा। चौदह, ब्राह्मण पुत्र ने सर्प को मारने की डैश बनाई। ब्राह्मण के पुत्र ने सर्प को मारने की डैश बनाई। क्या बनाई? बोलिए, योजना बनाई। वेरी गुड, योजना बनाई। लास्ट वन, डैश ने ब्राह्मण के पुत्र को टस लिया। डैश ने ब्राह्मण के पुत्र को टस लिया। बोलिए, ब्राह्मण के पुत्र ने, सर्प ने ब्राह्मण के पुत्र को टस लिया। वेरी गुड, सर्प ने ब्राह्मण के पुत्र को टस लिया। एक बार भी पढ़िए, ब्राह्मण का नाम क्या था? हरिदत्त। ब्राह्मण ने सर्प को देखकर उससे प्रार्थना की। ब्राह्मण ने सर्प के बिल के बाहर बर्तन में दूध रखा। ब्राह्मण के पुत्र ने सर्प को मारने की योजना बनाई। देश ने ब्राह्मण के पुत्र को टस लिया। सर्प ने ब्राह्मण को पुत्र को टस लिया। अगला पन्ना देखिए।
सही वाक्यों पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए. टिक द करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. पहला, ब्राह्मण ने सर्प को देखकर उसकी पूजा की. ध्यान से सुनिए बच्चों, ब्राह्मण ने सर्प को देखकर उसकी पूजा की. सही या गलत बोलिए. ब्राह्मण ने सर्प को देखकर उसकी पूजा की. सही या गलत बोलिए. अब लोग बोलिए गलत है ना. ब्राह्मण ने सर्प को देखकर उसकी पूजा की गलत है. ब्राह्मण ने क्या किया, सर्प को प्रार्थना की है ना. दूसरा, दूत के बर्तन में ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं देखा. दूत के बर्तन में ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं देखा. सही या गलत बोलिए. कुछ भी नहीं देखा गलत है. गोल्ड सोने की मुद्रा देखा है ना. दूत के बर्तन में ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं देखा, ये गलत है. तीसरा वन, स्वर्ण मुद्राएं देखकर ब्राह्मण के पुत्र के मन में लालच भर गया. स्वर्ण मुद्राएं देखकर ब्राह्मण के पुत्र के मन में लालच भर गया. सही है, लालच भर गया है ना. देन नेक्स्ट, शरणागति की रक्षा नहीं करनी चाहिए. शरणागति की रक्षा नहीं करनी चाहिए. ए, सही या गलत बोलिए. आप लोग बोलिए गलत है. शरणागति की रक्षा करनी चाहिए है ना. शरणागति की रक्षा नहीं करनी चाहिए, गलत है. लास्ट वन, लालच का परिणाम बुरा होता है. लालच का परिणाम बुरा होता है. सही है ना. एक बार ब्राह्मण ने सर्प को देखकर उसकी पूजा की, गलत है. वहां पर गलत चिन्ह. दूत के बर्तन में ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं देखा, गलत है. स्वर्ण मुद्राएं देखकर ब्राह्मण के पुत्र के मन में लालच भर गया, सही है. वहां पर सही का चिन्ह. शरणागति की रक्षा नहीं करनी चाहिए, गलत है. वहां पर क्रॉस चिन्ह. लालच का परिणाम बुरा होता है, सही है ना. द नेक्स्ट थर्ड, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ध्यान से सुनिए बच्चों. पहला प्रश्न, ब्राह्मण का नाम क्या था और उसका व्यवहार कैसा था. एक बार, ब्राह्मण का नाम क्या था और उसका व्यवहार कैसा था. आंसर, ब्राह्मण का नाम हरिदत्त था. क्या था, ब्राह्मण का नाम हरिदत्त था और उसका व्यवहार अच्छा था. उसके मन में दूसरों के प्रति दया की भावना थी. एक बार, ब्राह्मण का नाम क्या था और उसका व्यवहार कैसा था. आंसर, ब्राह्मण का नाम हरिदत्त था, उसका व्यवहार अच्छा था. उसके मन में दूसरों के प्रति दया की भावना थी है ना. मालूम है ना बच्चों. दूसरा प्रश्न, ब्राह्मण ने अपने खेत में किसे देखा. ध्यान से सुनिए बच्चों. ब्राह्मण ने अपने खेत में किसे देखा और उसे क्या कहा. एक बार, ब्राह्मण ने अपने खेत में किसे देखा और उसे क्या कहा. ब्राह्मण ने अपने खेत में क्या देखा बोलिए. ब्राह्मण ने अपने खेत में सर्प को देखा है ना. सर्प को देखा, उसने उससे कहा कि, क्या कहा हरिदत्त ने. हे सर्पदेव, मुझे मालूम नहीं था, मुझे आपके बारे में पता नहीं था कि आप मेरे खेत में ही रहते हैं, इसलिए आपकी पूजा न कर सका. अब मैं रोज आपकी पूजा किया करूंगा है ना. क्या कहा ब्राह्मण ने अपने खेत में क्या देखा, एक सर्प को देखा. एक बार भी पढ़िए बच्चों, ब्राह्मण ने अपने खेत में सर्प को देखा है ना.
उसने उससे कहा, हे सर्पदेव, मुझे आपके बारे में पता ही नहीं था कि आप मेरे गेत में ही रहते हैं, इसीलिए मैं आपकी पूजा न कर सका। अब मैं रोज आपकी पूजा किया करूंगा, है ना। तीसरा प्रश्न, ब्राह्मण रोज क्या करता था और उसे क्या प्राप्त होता था? ब्राह्मण रोज क्या करता था और उसे क्या प्राप्त होता था? आंसर, ब्राह्मण रोज सर्पदेव के लिए दूध रखता था और रोज उसे सोने की एक मुद्रा प्राप्त होती थी। एक बार, ब्राह्मण रोज सर्पदेव के लिए दूध रखता था और रोज उसे एक सोने की मुद्रा प्राप्त होती थी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राह्मण के पुत्र ने सोने की मुद्रा देखकर क्या सोचा? ध्यान से सुनिए बच्चों, ब्राह्मण के पुत्र ने सोने की मुद्रा देखकर क्या सोचा? आंसर, ब्राह्मण के पुत्र ने सोने की मुद्रा देखकर सोचा कि, क्या सोचा कि इस सर्प की भाभी में सोने की मुद्राएं भरी हुई है, क्यों न इस सर्प को मारकर सभी मुद्राएं ले ली जाए। क्या सोचा ब्राह्मण के पुत्र ने सोचा कि सोने की मुद्रा देखकर सोचा कि इस सर्प के भाभी में सोने की मुद्राएं भरी हुई है, क्यों न इस सर्प को मारकर सभी मुद्राएं ले ली जाए, है ना। देन लास्ट प्रश्न, ब्राह्मण के पुत्र ने क्या किया और उसे क्या दंड मिला? एक बार, ब्राह्मण के पुत्र ने क्या किया और उसे क्या दंड मिला? देखिए, सोने की मुद्रा के लालच में ब्राह्मण के पुत्र ने सर्प को मारने की योजना बना ली, पर सर्प बच गया। उसने मौका देखकर उस ब्राह्मण के पुत्र को टस लिया। एक बार, सोने की मुद्राओं के लालच में ब्राह्मण के पुत्र ने सर्प ने मारने की योजना बना ली, पर सर्प बच गया। उसने मौका देखकर उस ब्राह्मण के पुत्र को टस लिया। एक बार, सोने की मुद्रा के लालच में ब्राह्मण के पुत्र ने सर्प को मारने की योजना बना ली, पर सर्प बच गया। उसने मौका देखकर उस ब्राह्मण के पुत्र को टस लिया, है ना। समझा है ना बच्चों। द नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाए। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाए। पहला, गेत। गेत, गेत मीन्स जोतने और बोने की भूमि। दो अर्थ है, जोतने और बोने की भूमि। वाक्य, किसान गेत में फसल उगाता है। वाक्य है, किसान गेत में फसल उगाता है। गेत मीनिंग जोतने और बोने की भूमि। वाक्य यह है, किसान गेत में फसल उगाता है। किसान गेत में फसल उगाता है। दूसरा, प्रार्थना। प्रार्थना मीन्स निवेदन। ओके, प्रार्थना यानी निवेदन। वाक्य है, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थर्ड वन, लालच। लालच का मतलब यह है लोभ। लालच का मतलब यह है कि लोभ। वाक्य है, लालच का परिणाम बुरा होता है। लालच का परिणाम बुरा होता है। द लास्ट वन, दुख। दुख यानी कष्ट। दुख का अर्थ कष्ट। मीनिंग वाक्य है, लालची को दुख ही मिलता है। लालची को दुख ही मिलता है।
एक बार गेत ज्योति ने और बोने की भूमि है ना। वाक्य किसान गेत में फसल उगाता है। नेक्स्ट है प्रार्थना। प्रार्थना मीन्स निवेदन। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तीसरा लालच। लालच का अर्थ लोभ। वाक्य लालच का परिणाम बुरा होता है। लास्ट वन दुख मीनिंग कष्ट। लालची को दुख ही मिलता है। लालची को दुख ही मिलता है। आज का कक्षा आज आज की क्लास सबको समझा है ना बच्चों? तो चलिए आज की गृह कार्य की। आज है पेज नंबर 27 और 28। ये दोनों में दिए गया वर्क आप लोग अपना टेक्स्ट बुक और नोटबुक पर लिखना। ओके। गाली स्थान उचित यह है। अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक पर लिखना है ना। आज की कक्षा यहाँ समाप्त हुई बच्चों। धन्यवाद।